अब तक किस 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 को दिया गया अपन? महाराज श्री के भक्त हैं, 3600 कौम सड़क पे उतरेगी। आज हम सर्वसेन समाज की तरफ से कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे सबके आराध्य और परम श्रद्धेय चंपालाल जी महाराज पर 28 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमला की हम निंदा भी करते हैं और एसपी साहब और कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, जो भी हमलावर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको तुरंत गिरफ्तार करें, जो कि अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर साथ में हमारे को आज हमारे राज्य सरकार के मंत्री महेंद्र जी मालवीय भी मिल गए, उनको भी हमने निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया है कि हमारे सबके आराध्य जो गुरु जी हैं वो चंपालाल जी महाराज, यहाँ पर हर संडे को आपने देखा होगा 50,000 की तादाद में भक्त लोग आते हैं और वो 3600 कौमों का धार्मिक स्थान है। वहाँ पर ऐसे संत के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और हम कहते हैं कि हमारे महाराज श्री को एक सुरक्षा ज़्यादा प्रदान की जाए, उनको गार्ड्स दिए जाएं जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। ये हमला राजगढ़ में हुआ है, महाराज श्री शाम को मंदिर से निकल रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर, अब ये जानकारी नहीं है, हमने रिपोर्ट करा दी है परंतु उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। मेरा नाम श्रवण कुमार, पार्षद श्रवण कुमार। अब तक किस 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 को दिया गया अपन? अपन ने एसपी साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, महेंद्र जी मालवीय को दिया है और हमने निवेदन किया है, अगर इन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा महाराज श्री के भक्त हैं 3600 कौम सड़क पर उतरेगी। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे महाराज श्री के ऊपर कोई इस तरीके से हमला करे। तो यहाँ पैसा पढ़ना।